नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार के विशेष दर्जे को लेकर लगातार मुहिम चला रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग एक महीने से उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह बिहार के विशेष दर्जे के लिए अभियान चला रहे हैं। ललन सिंह तो पिछले एक महीने से देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान नाम का हैशटैग चला रहे हैं। और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल मुंगेर में एक उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुंगेर में गंगा नदी पर बने सड़क पुल का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने बिहार के विशेष दर्जे को लेकर एक बार फिर से अपनी बात दोहराई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर देश का विकास करना है तो उसके लिए बिहार का भी विकास बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हमारी इच्छा है कि देश के विकास में बिहार का भी योगदान हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार का आबादी घनत्व देश के अन्य राज्यों से कहीं ज़्यादा है और इसलिए बिहार पर केंद्र सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस वीडियो को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्विटर पर शेयर किया है। ललन सिंह ने इस वीडियो को शेयर करते हुए अपनी बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आप खुद सुनिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं। आपने जो सुझाव दिया है हम इसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं और हम लोग तो चाहते ही हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश के विकास में बिहार आगे बढ़ेगा तो इसकी भी बहुत अच्छी भूमिका होगी और जिस तरह से हम लोगों ने हर क्षेत्र में बिहार के विकास के लिए काम शुरू से किया है, 2005 से जब से काम करने का मौका मिला है, हम और आप बीजेपी सब लोग मिल करके ही तो सारा काम कर रहे हैं और शुरू से ही ये काम हम लोग कर रहे हैं। एनडीए के द्वारा ये सब काम जो किया गया है तो इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप जो करिएगा बड़ी खुशी की बात होगी। बिहार का भी उत्थान होना चाहिए और आप जानते हैं बिहार की आबादी बहुत ज्यादा है। एक स्क्वायर किलोमीटर में जितनी आबादी बिहार में है उतनी आबादी देश के किसी राज्य में नहीं है और यह संभवतः देश में भी सबसे अधिक है। तो इसको देखते हुए बिहार पर तो विशेष ध्यान देना ही ना पड़ेगा। जब इतना इसका इलाका छोटा है, इस बिहार में इस राज्य को इस अपने पूरे देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन आबादी को देखिएगा तो आबादी तीसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर क्या है, वो तो दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। तो आप समझ लीजिए किसको देखते हुए तो ध्यान करना ना पड़ेगा। आपसे तो व्यक्तिगत रूप से भी ना हम लोगों का संबंध है, कोई आज का संबंध है, बहुत पुराना संबंध है ना। तो इसीलिए और जब यहाँ सरकार बनी हुई थी तब आप तो पार्टी के प्रेसिडेंट भी न रहे हैं, तो आपका आना जाना और हम लोगों के साथ रिश्ता तो बहुत अच्छा है। जब केंद्र में सरकार थी, श्रद्धेय अटल जी की सरकार, तो उस समय भी संबंध, तो एक एक समय से जो संबंध है तो हम लोग। तो आपने सुना कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिहार पर केंद्र सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर इसके लिए प्रावधान नहीं है तो केंद्र सरकार इसके लिए प्रावधान लाए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ट्रेंडिंग बिहार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।